सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश साज, आप देख रहे हैं SRPDM। तो सबसे पहले मैं सबको सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि लॉकडाउन के बाद बीच में कुछ एक दो वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद मैंने वीडियो गैप कर दिया था। तो बताता हूं सबसे पहले कि जो मैंने लॉकडाउन के पहले का वीडियो था उस पर दो कैटेगरी में वीडियो आते थे, ऑफर से रिलेटेड और ब्लॉग से। तो आप लोग जब जानते हैं कि ऑफर्स तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, ना गूगल पे पे सही ऑफर आते हैं, ना अमेजोन पे आते हैं, ना ही पेटीएम पे। तो ऑफर्स तो खत्म हो गए। अब मैं इस चैनल पे वीडियो तीन कैटेगरी में अपलोड करने वाला हूँ। सबसे पहला कैटेगरी हो गया अनबॉक्सिंग और शॉपिंग से रिलेटेड, जितने भी शॉपिंग करूंगा और मेरे पास जो भी गैजेट रहेंगे उसका अनबॉक्सिंग करूंगा। दूसरा चीज हो गया बैंकिंग से रिलेटेड, जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोग बताऊंगा। और तीसरा चीज हो गया कि मैं पटना में काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूँ, तो कुछ ऐसे विजिट करने की जगह मैं जो संडे को कोशिश करता हूँ कहीं पे विजिट करने का, तो मैं विजिट करूँगा तो वहाँ एक ब्लॉग्स बनाऊँगा स्पेशल, जो आप लोगों को संडे को कोशिश करूँगा कि एक ब्लॉग्स अपलोड आते रहे, ताकि आप लोगों को पटना देखने का भी घूमने का जब भी आए तो आप घूम सकते हैं। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करते हैं, अगर आप इसे पहले करें ताकि आने नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि मेरे पास है डिजिटेक की तरफ से आने वाला लाइटवेट डीवी ट्राइपॉड, जिसका मॉडल नंबर है DTR550LW, मतलब लाइटवेट। इसका देख लेते हैं क्या क्या हाईलाइट है, मेन हाईलाइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका देखते हैं अनबॉक्सिंग करके क्या। सबसे पहले मैं बताता हूँ यह है डिजिटेक की तरफ से आने वाला लाइटवेट डीवीटी ट्राइपॉड, जिसका मॉडल नंबर है DTR550LW। अब इसका पोर्टेबल स्टडी फॉर द कैमरा डीवी कैमरा है, ठीक है। उसके बाद इसका बता देता हूँ जो मेन हाईलाइट है डिजिटेक की तरफ से, इसका जो मैक्सिमम जो वजन रखने का है, मैक्सिमम लोड 5 kg है। इसका मैक्सिमम हाइट 5.57 feet है और जो मेरा जो पीछे का ट्राइपॉड है जिसपे मैं भी यूज कर रहा था उसका सिर्फ 4 feet ही था। और इसका फोल्डेबल हाइट है 6.615 mm। उसके बाद मैक्सिमम ट्यूब डायमीटर इसका दिया हुआ है 26.5 mm। उसका मैक्सिमम ट्यूब मिनिमम ट्यूब डायमीटर दिया हुआ है 20 mm। इसका वेट है 1.2 kg। इसका ज़्यादा वेट ऐसे लगता है मुझे, मैंने जब वजन करता हूँ तो इसका 3 सेक्शन में ही है डिवाइड, आप लोग देख सकते हैं। मेन लाइट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखा इम्पोर्ट एंड मैनुफैक्चर, ये दिल्ली से किया गया है, बाकी ये मेड इन PRC मतलब पब्लिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और ये डिजिटल की तरफ से आता है और कुछ यहाँ पे मेन हाईलाइट भी दिया हुआ, फीचर्स इसका बताया हूँ। और यहाँ पे इसका बिल है, तो इसका बिल को मैं आपको प्राइस बताता हूँ सिंपल तरह से। ये मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1500 के आसपास में ही आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने अमेजन से मंगाया था उसका ये लोगो चिपका हुआ। उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स और कुछ नहीं खास इसमें डिब्बा में, इसको साइड में रख देते हैं थोड़ा। इसके बाद ये प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक को भी साइड में कर देते हैं। और ये एक बैग है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसे आप कहीं भी फोल्ड करके जहाँ भी जाते हैं तो साथ में से ले जा सकते हैं। और ये एक ग्रिप है जिसे आप टांगने में भी जाएगा और काफ़ी इजी लग रहा है। तो आप इसे बैग एक माने कैरी बैग है, ये इसके अंदर भी एक प्लास्टिक है, देखते हैं इसका प्लास्टिक। इस बैग को भी साइड रख देते हैं, प्लास्टिक को हटाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप,
डिजिटेक के यहाँ ब्रांडिंग है जिस पर लिखा हुआ है डिजिटेक DTR 550 LW। तो चलिए इसको अब आगे हम इसको फोल्ड करके अभी रखते हैं फिलहाल इसको, और अभी इसको साइड में इसको देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डिंग वेल है। तो अभी इसको और इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो चलिए इसको मैं फीचर बताता हूँ। सबसे पहले ये थ्री वे है, आप लोग देख सकते हैं ये थ्री वे है, एक फर्स्ट, ये सेकंड। ये यहाँ पे आपको सिंपल अपने दिखाता हूँ, ये इधर भी होता है और सिंपल दो तरीका से, और एक ये थ्री बॉल पे है तो आप इसको भी साइड में कर सकते हैं। चलिए ये हो गया थ्री वे। और इसका जो आप देख सकते हैं नीचे में रबर लेग्स हैं, रबर लेग्स जिस पे आपको रखने से कहीं भी स्लिप नहीं करता, जैसे मेरा भी स्लिप करता है ये जो भी ट्राइपॉड कर रहे हैं। उसके पे यहाँ पे हुक है, जैसे कि आप जैसे बैग वुक रखना तो आपको जैसे ये अभी लेग्स लंबा करने के बाद ये यहाँ पे कुछ रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, ये आप देख सकते हैं वाटर लेवल है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना बैलेंसिंग है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कैमरा में। और तीसरा जो मैं इसका बताता हूँ, जो सबसे काफ़ी अच्छा चीज़ है कि आप जैसे आप मोबाइल में भी यूज़ करना चाहेंगे तो आप इजली इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जैसे टिकटॉक टॉक बनाना है तो आप इसे सिंपली यूज़ कर सकते हैं और इस पर कैमरा भी रख सकते हैं। चलिए इसको लेग्स को ओपन करके देखते हैं कि कितना हाइट है इसका। काफ़ी अच्छा लगा। और इस पर जो ये है सो मैग्नीशियम को चलाया, जिससे कलर ये छूटेगा नहीं मेरे अंदाज से। यहाँ पे ग्रिप बनाया जिससे आप टांगने में इजी आपको इजी पड़ेगा, जैसे आप कहीं पे ले जाना चाहते हैं तो इसको इजी तरह से आप ले जा सकते हैं कहीं पे भी, आप ये दिक्कत नहीं हुआ कि आपको ले आने के लिए आपको जरूरत है। देखिए जैसे मैं कहीं ले जाना है तो ये सिंपल इस तरह से ले जा सकते हैं। उसके बाद में बैग को खोल देना, देख सकते हैं कितना हाइट है इसका। थ्री सेक्शन में ये लेग्स हैं, सही से नहीं खुला इसलिए बैलेंसिंग नहीं दिख रहा। अब चल रहा है पूरा खुल गया, ये सामने सब देख सकते हैं कि पूरा खुल चुका है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आप लॉक है, ये फ्री लॉक है, इसमें सेक्शन ये हटा सकते हैं, इसलिए आपको दिखाता हूँ। ये लेग्स को हटा सकते हैं, ये कैमरा के लिए होता है और मोबाइल में भी इसको लगा सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मोबाइल में किस तरह से लगता है। तो दिखाता हूँ कैसे इस साइड में, आपको देख सकते हैं ये रोटेटिंग है। आप इसको रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसको लॉक हटाना पड़ेगा, साइड में पीछे लॉक है। उसके बाद जितना आप हाइट पर रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं सिंपली। इसका मैक्सिमम हाइट देखिए कितना है, काफ़ी हाइट है इसका। जैसे मैं इतना बनाना चाहता हूँ तो इजिली ये बन सकता है, कहीं पर भी रख के आप बना सकते हैं इसको इजिली। इसको टाइट कर दीजिए, देख सकते हैं कितना हाइट है। वो मेरा जो ट्राइपॉड है इससे इतना है और ये जो ट्राइपॉड इतना है, ताकि इजीली मैं कहीं पे भी आप बना सकता हूँ वीडियो। और ये ऊपर नीचे करने का अप एंड डाउन जितना आपको कैमरा रखना कह सकते हैं, ताकि फिर रोटेटिंग है फिर 360 पे रोटेट करता हूँ। चलिए इसका हम फीचर बता दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने पसंद लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को पहले भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए।